नमस्कार, मैं हूं अर्चना गुप्ता। समय नेशनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं एक ऐसी घटना के बारे में जो कि बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाला है। ये घटना है मंगोलपुर दिल्ली से रिंकू शर्मा शख्स की, जिनकी हत्या कर दी गई है। कहा जाता है कि राम का नाम लेना एक बहुत ही शांति और सुकून देने वाली नाम होता है, जो कि एक छोटी से छोटी दुख में या बड़ी से बड़ी सुख में भी लिया जाता है। राम नाम एक ऐसा शब्द है जो कि हर एक इंसान लिया करता है जो भी राम को मानता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि राम नाम लेने से हत्या कर दी जाती है? जी हाँ, ये घटना एक छोटी सी झगड़े और छोटे से विवाद से स्टार्ट होती है और हत्या तक पहुंच जाती है। रिंकू शर्मा कुछ महीने पहले अपने ही गली मोहल्ले के लोगों से एक छोटे से झगड़ा में आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं। रिंकू शर्मा जो कि बजरंग दल से जुड़े हुए थे और वो राम नाम की एक रैली जैसा निकाले हुए थे। वो लोग हर मंगलवार को बजरंग बली का आरती करते हैं, जहाँ पे वो लोग राम नाम लेके जाते हैं, अपने ही गली से निकलते हैं। लेकिन उनके ही गली मोहल्ले में वो लोग भी रहते हैं जिन्होंने उनकी हत्या की है। राम नाम लेने से उनके मोहल्ले में जो लोग रह रहे थे उनको कुछ ज्यादा रास नहीं आया और उन्होंने मन बना लिया कि रिंकू शर्मा को खत्म कर दिया जाए। उनकी छोटी सी झगड़े जो कि उनके मन में बसे हुई थी और उन्होंने उसका बदला भी ले लिया, और ऐसा बदला जो कि रिंकू शर्मा को अपनी जान गंवानी पड़ी। रिंकू शर्मा एक बर्थडे पार्टी से आ रहे थे, तभी उनको घेर लिया जाता है और चाकू मार के हत्या कर दी जाती है। ये केस पुलिस में भी गई है और इसमें चार लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन रिंकू शर्मा के घर वालों का कहना है कि इसमें पांच लोग इन्वॉल्व थे। जो मेन इसका कर्ता धरता था उसको अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। हम चाहेंगे कि रिंकू शर्मा की हत्या की सजा जरूर मिले उन्हें, और रिंकू शर्मा के घर वालों को जस्टिस मिले। के लिए देखते रहिए समय नेशनल, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ।